SpaceX अनक्रूड स्टारशिप एक्सप्लोर्स शॉर्टली आफ्टर लिफ्ट ऑफ। तो दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में वर्ल्ड पेज पर अगर जाएंगे तो आपको ये आर्टिकल देखने मिल जाएगा, और बहुत से अलग अलग न्यूज़पेपर जो है इस आर्टिकल को पब्लिश कर चुके हैं। पूरी दुनिया में इसी खबर की चर्चा की जा रही है, और इस बारे में आपको ज़्यादा डिटेल्स देना हमारा काम है, उसी के लिए हमने वीडियो बनाया, तो बने रही हमारे साथ। तो जो स्टारशिप है, इसका सक्सेसफुल टेस्ट होना था, लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों पहले से टेस्ट करने की कोशिश की गई थी, कुछ ना कुछ कमियां रह जा रही थी, और आखिरी समय पे उस टेस्ट को रोक दिया जा रहा था। लेकिन 2-3 दिन पहले इसे फाइनली टेस्ट किया गया। टेस्ट करने के बाद में सक्सेसफुल तो नहीं रहा, थोड़ी ऊपर जाने के बाद ही वो एक्सप्लोड हो गया, वो फट गया, पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसके बारे में इसकी चर्चा की जा रही है। देखिए, रॉकेट फट चुका है, फिर भी स्पेस एक्स के जो हेडक्वार्टर से वो बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे थे, सब लोग तालियां बजा रहे थे, एलोन मस्क साहब भी खुश थे इतना नुकसान होने के बाद भी। उसके पीछे कारण क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसी आर्टिकल में आपको ये भी बताएंगे कि जो जैसे कि एलोन मस्क साहब ने मैंशन किया है कि जो मार्स प्लैनेट है, वहाँ पे इंसानों को भेजना, वहाँ पे कॉलोनी बनाना, वो इसी रॉकेट से संभव है। ऐसा भी इस रॉकेट के लिए क्लेम किया जा रहा है, इसकी कैपेबिलिटी यहाँ तक कहा जा रहा है कि इसी के बेस पे वहाँ कॉलोनी बनाई जाएगी। तो इस रॉकेट को डिज़ाइन इस हिसाब से किया गया है कि एस्ट्रोनॉट को मार्स पे, चंद्रमा पे और भी बहुत ज़्यादा दूर भेजा जा सके। लेकिन अभी इसकी टेस्टिंग की गई, वो टेस्टिंग में फ़िलहाल तो फेल हो गए हैं। तो एलोन मस्क साहब ने ये कहा कि, ट्वीट करके कहा कि ये टेस्ट अनसक्सेसफुल रहा, इससे हमने काफ़ी कुछ सीखा, अपनी कमियाँ सुधार के कुछ महीने बाद हम दोबारा इसका टेस्ट करेंगे। तो कुछ महीने बाद ये दोबारा होने ही वाला है, तो इसीलिए हम इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, इस हम रॉकेट को बाकी रॉकेट से कंपेयर करने वाले हैं। आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, इस फोटो में देखिए स्टारशिप रॉकेट का साइज़ अगर आप देखेंगे तो आज के समय में दुनिया के सबसे जो पावरफुल रॉकेट कहलाया करते हैं, जैसे नासा का सैटर्न वी है या नासा का SLS, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रॉकेट्स अभी तक कहलाए जाते हैं। लेकिन इन दोनों से भी ज़्यादा पावरफुल रॉकेट, दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट जो कि SpaceX कंपनी की तरफ से है, उसका नाम है स्टारशिप, जो एक्सप्लोड हो गया। तो अभी इसको सक्सेसफुली टेस्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल टेस्ट हो नहीं पाया, रॉकेट एक्सप्लोड हो गया। हम एक अलग से वीडियो में पेश करने वाले वीडियो के अंत में। तो चलिए, हम कुछ छोटी छोटी पिक्चर्स आपको बताने वाले हैं, हम आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पिक्चर्स में से क्या डिटेल दी गई है। तो एक ये पिक्चर्स देखिए, सबसे ज़्यादा पेलोड स्टारशिप में संभव है। तो इस पिक्चर को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब हम बात करते हैं दुनिया में अलग अलग रॉकेट्स की, तो अलग अलग स्पेस एजेंसीज़ के पास बेहतरीन से बेहतरीन रॉकेट्स है, जो कि बहुत सारे पेलोड को, बहुत सारे वजन को यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पृथ्वी से अंतरिक्ष तक ले जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पेलोड ले जाने में जो काबिल होगा वो होगा स्टारशिप, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा मतलब कितना, तो यहाँ पे पेलोड की कैपेसिटीज आपको फोटो में दिख रही होगी। तो देखिए, स्पेस शटल नाम से ये रॉकेट है, जहाँ पे 29,000 किलोग्राम का वज़न ये लेके जा सकता है पृथ्वी से अंतरिक्ष में। उसके बाद फाल्कन हैवी है 63,800, SLS ब्लॉक 95,000, सैटर्न वी 18,000 और स्टारशिप 1.5 लाख किलोग्राम, मतलब 1.5 लाख किलोग्राम वो लेके जा सकता है। और देखिए, फिलहाल तो अंतरिक्ष में सामान ही लेके जाया जाएगा, और इसी के आधार पर तय किया जाएगा कि कितने किलो तक के लोगों को वहाँ पे पहुँचाया जा सकता है। तो देखिए, स्टारशिप की क्षमता ही 1.5 लाख किलोग्राम है, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रॉकेट अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन आगे इसके दोबारा ट्रायल किए जाएंगे, जब तक कि सफल नहीं हो जाता मस्क साहब मानने नहीं वाले। तो कल ट्विटर पर आपने वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी, वो हम आपको वीडियो के अंत में अलग से दिखाने वाले हैं कि किस तरह वो ब्लास्ट हुआ। तो देखिए, जो रॉकेट का लॉन्च पैड है, उस लॉन्च पैड से रॉकेट की उड़ने में ही बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि एलोन मस्क का कहना है कि जो ये स्टारशिप का फेल होने के बाद भी जो SpaceX है, वहाँ पे सब लोग तालियां इसलिए बजा रहे हैं, सब लोग खुश इतनी ज़्यादा है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होगा ही नहीं, उड़ेगा ही नहीं, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। रॉकेट उड़ा, और ना सिर्फ उड़ा, 30 किलोमीटर तक ऊपर भी गया, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए वो इतने ज़्यादा खुश थे। और ये खुद ही नहीं फटा, इसे फोड़ा गया था एक पटाखे की तरह, वो भी बताएंगे हम। तो मस्क साहब ने कहा कि अभी ये तो फट चुका है, लेकिन हम दोबारा कुछ महीने बाद इसका ट्रायल लेने वाले हैं, जब तक सफल नहीं होगा हम लेते रहेंगे। तो जो रॉकेट के बूस्टर्स हैं ना,
रॉकेट फटा क्यों? तो देखिए, जो रॉकेट के बूस्टर्स रहते हैं ना, उसके जो इंजन रहता है उसमें गड़बड़ी शुरू हो गई थी। 1 मिनट तक रॉकेट के ऊपर जाने के बाद उसमें जो एक एयर प्रेशर रहता है उसमें गड़बड़ी आ गई थी, और उसमें जो सुपर हैवी बूस्टर्स नाम से एक सेक्शन है वहाँ पे कई सारे इंजन एक साथ फेल हो गए थे, और फिर रॉकेट का फेल होना तय था, ये उन्हें नीचे ही पता चल गया था। और फिर उन्होंने ऑटोमेटिक फ्लाइट टर्मिनेशन ने रॉकेट को नष्ट कर दिया। रॉकेट में इस तरह से अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उनके सिस्टम ऑटोमेटिकली सेट होते हैं ताकि वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब ब्लास्ट हो जाए, और आखिर वो हो भी गया। तो यही एक तरीका था इंसान को मंगल ग्रह तक पहुंचाने का, मतलब इंसानों को मार्स तक पहुंचाने का। ये लॉन्चिंग इसलिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और इस बारे में बात करना इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये इंसानों को एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम किया जा सकता है इस रॉकेट का भविष्य में। जैसे कि अमेजोन से हम मंगाते हैं कोई सामान, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, देशों के विदेशों तक पहुँचाया जाता है माल, उसी तरह अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि इसी रॉकेट के माध्यम से अमेजोन ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दे एक जगह, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे। तो मस्क का टारगेट ही असल में कुछ ऐसा है कि 2029 तक मल्क पे ये मस्क जी का टारगेट ही असल में ऐसा है कि 2029 तक मार्स पे कम से कम एक कॉलोनी तो बसानी है उनको। उसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए वो सारे के सारे एक्शंस रहते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि सच में ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। कैलकुलेशंस किए गए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट द्वारा, उन्होंने कहा कि ऐसा ज़रूर हो सकता है और ये रियलिस्टिक है। तो चलिए एक और फोटो देखिए। देखिए स्टारशिप को आप रॉकेट को थोड़ा समझिए। इस रॉकेट को जो स्टारशिप कह दिया गया है, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए एक तो आप दोनों फोटो दिख रहे होंगे, इस फोटो में समझाएंगे कि पेलोड कैपेसिटी जो ऊपर वाले फोटो में दिखा जा रही है उसे 100 से 150 टन तक है। तो देखिए स्टारशिप में जो दो कंपोनेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो जो ऊपर की फोटो में आपको दिख रहा होगा, जैसे कि रॉकेट में यूँ समझ लीजिए ए बी सी डी नाम से स्टेजेस है, तो जैसे ये जो ऊपर वाली फोटो है ये सेकेंड स्टेज है जिसकी पेलोड कैपेसिटी 100 से 150 टन तक है। तो जो जहाँ पे पेलोड रखा जाता है ना, जहाँ पे सारा सामान रखा जाता है, जहाँ पे आगे जाके इंसानों को रखा जाएगा, तो इसी के माध्यम से ले जाया जाएगा पृथ्वी की कक्षा में या चंद्रमा वगैरह पे। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की फोटो आपकी दिख रही होगी, तो ये कहीं पर भी अगर ले जाना हो तो इसे ले जाने में सक्षम रहेगा। ये इसे जो ऊपर के हिस्से को स्टारशिप हिस्से को कहा गया, जो ऊपर की फोटो हम दिखा रहे हैं उसे स्टारशिप कह रहे हैं, और जो नीचे का अभी फोटो दिख रही होगी, जैसे ऊपर के फोटो में हमने सेकेंड स्टेज बताई बी नाम से पोजीशन डॉक्टर की, ए सॉरी बी नाम की पोजीशन ये रॉकेट की। अब जो फर्स्ट स्टेज कौन सी है, जो ए नाम से पोजीशन है, तो ये सुपर बूस्टर है, तो ये भी रीयूजेबल है, मतलब इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जो दूसरी फोटो आपको दिख रही होगी, मतलब कि रॉकेट को ऊपर पहुँचाने के बाद ये वापस नीचे आ जाएगा, जैसे कि हमने हमारे पहले के वीडियोज़ में बताया गया है। तो ये जो सुपर हैवी रॉकेट स्टारशिप लॉन्च सिस्टम का फर्स्ट स्टेज या बूस्टर है, तो रैप्टर इंजन क्या होते हैं, तीसरे फोटो में आपको इंजन बताने वाले हैं। रैप्टर इंजन कितने इंजन लगाए गए हैं, तो देखिए स्टारशिप में 6 इंजन लगाए गए हैं जो इस रॉकेट को पावर देते हैं। 3 रैप्टर इंजन है और 3 रैप्टर वैक्यूम है। तो जो अंतरिक्ष में जो वैक्यूम है वहाँ पे रैप्टर वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी के हिसाब से ये 3 वैक्यूम के इंजन लगाए गए हैं। तो यहाँ पे एक हिस्से में 33 रैप्टर इंजन का भी इस्तेमाल किया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा रैप्टर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी एक और फोटो देखिए, इस रॉकेट की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आगे भी इसे काफ़ी ज़्यादा ट्रायल्स होंगे, इसलिए इस बारे में पूरी जानकारी होना आपको ज़रूरी है, इसलिए हम इतने डिटेल्स में आपको बता रहे हैं। तो आगे जाके इस रॉकेट के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा सामान अंतरिक्ष में ले जाया जा सकता है, खास करके हमारी पृथ्वी का ऑर्बिट हो गया या मंगल ग्रह हो गए, कहीं पर भी अगर हमें बहुत ज़्यादा सामान लेके जाना है तो इस रॉकेट के माध्यम से लेके जा सकते हैं। दूसरा ये मून मिशंस वगैरह किए जा सकते हैं इस रॉकेट के माध्यम से, किए जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को लेके जा सकते हैं। या फिर अर्थ टू अर्थ भी अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है ना, यहीं पृथ्वी पर ट्रांसपोर्ट करना है, इसकी स्पीड असल में इतनी ज़्यादा है कि जैसे एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में जहाँ एयरप्लेन को 24 घंटे तक लग जाते हैं, लेकिन इस रॉकेट को 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। मतलब इसकी स्पीड की इमेजिन कीजिए आप, कितनी ज़्यादा तेज़ इसकी स्पीड है, सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय में एक कोने से दूसरे कोने पर इसे पहुँचाया जा सकता है, इतनी भयानक इसकी स्पीड है। दूसरी एक और काम होगा इसका कि
अगर मार्स के ऊपर जब आगे जाके शहरों का निर्माण कर दिया जाएगा तो उसके लिए बड़ी मात्रा में हमें सामान चाहिए होगा, कंस्ट्रक्शन का सामान, वहाँ पे रहने का, खाने वगैरह का, जब तक वहाँ पे सब सेट हो जाए। तो उसके हिसाब से भी ये रॉकेट काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेलोड लेके जाएगा, बहुत ज़्यादा सामान लेके जाएगा। और दूसरी बात कि ये रीयूजेबल है, आप समझ रहे हैं रीयूजेबल होने का कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मतलब बाकी रॉकेट्स की तरह ये अपना मिशन पूरा होने के बाद फट नहीं जाएगा और निकम्मा नहीं रहेगा, इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है कितनी भी बार। तो चलिए एक और इसमें एक आखिरी पॉइंट भी है, एक और फोटो देखिए कि आखिर ये सब होगा कैसे। तो देखिए ये सब इस तरह से होगा, मार्स देखिए सामने नहीं है, करीबन नॉर्मल नहीं, आज 6 महीने तो भी लग ही जाते हैं मार्स तक जाने में, इतना दूर है, सीरियसली 6 महीने तक लग जाते हैं। तो देखिए मार्स तक पहुंचने में तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, तो वो होगा कैसे ये विश्वास करने जैसी बात हो ही नहीं रही है, लग ही नहीं रही है इस समय में। लेकिन फिर भी रियलिस्टिक कैलकुलेशन के हिसाब से ये पॉसिबल है। तो इस फोटो को देखिए, सुपर हैवी बूस्टर्स के साथ स्टारशिप लॉन्च होगा, मतलब कि इसमें बूस्टर्स अच्छे खासे लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से इसे आगे जाके ऊपर पहुंचने के बाद कोई दिक्कत ना हो। मतलब ऊपर पहुंचाने के लिए असल में बूस्टर्स लगाए जाते हैं, बाकी तो फिर वैक्यूम के लेवल पे अलग से काम होते हैं। तो देखिए सुपर हैवी बूस्टर्स के साथ स्टारशिप लॉन्च होगा, आपको फर्स्ट नंबर की फोटो दिख रही होगी। उसके बाद आप दूसरी फोटो देख सकते हैं कि जो बूस्टर अलग होकर पृथ्वी पर लौट आएगा और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि वो रीयूजेबल होगा और रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ देगा। अब आप तीसरी फोटो में देख सकते हैं कि पृथ्वी से एक रिफ्यूलिंग टैंकर लॉन्च होगा, वहाँ पे असल में ऊपर पहुँचने के बाद रॉकेट का फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, उसे रिफ्यूलिंग की ज़रूरत होगी। देखिए जो दूसरी फोटो में जो रॉकेट अलग हो रहा होगा उसी में पेलोड वगैरह है जो हमें मार्स तक पहुँचाना है या चांद वगैरह पर पहुँचाना है। तो तीसरी फोटो में जहाँ जो दूसरी फोटो में आपको जो रॉकेट दिख रहा है उसके फ्यूलिंग के करने की वजह से, उसे फ्यूल भरने की वजह से अलग से रिफ्यूलिंग टैंकर लॉन्च होगा पृथ्वी से, और उसके बाद टैंकर ऑर्बिट में स्टारशिप से डॉक होगा, मतलब वहाँ रिफ्यूलिंग उसकी की जाएगी, अंतरिक्ष में ही की जाएगी। आप फोटो में देख सकते हैं किस तरह से, देखिए फोटो में बड़ा सिंपल तरीके से दिखाया गया है, असल में एक बार जो प्रैक्टिस में होते हैं वो उनके लिए उतना ही सिंपल होता है, लेकिन फिर भी अंतरिक्ष के लेवल की बात है तो जो वहाँ के एक्सपीरियंस है उनके हिसाब से सिंपल होता है, हमारे लिए सोचना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको समझाने के हिसाब से परफेक्ट फोटो से बनाई गई है। तो देखिए पांचवी फोटो में देख सकते हैं कि फ्यूल भरने के बाद पृथ्वी पर लौट आएगा, जो वो तो टैंकर था ना फ्यूल भरने के लिए गया था, वो फ्यूल भरने के बाद वापस नीचे आ जाएगा, और फिर स्टारशिप एक ऑर्बिट से मंगल की तरफ बढ़ेगा, मतलब एक ऑर्बिट लेगा पृथ्वी की, उसके बाद वो शिफ्ट हो जाएगा, भाग जाएगा मंगल की तरफ। और जैसे ही वो मंगल के वायुमंडल में एंटर होगा उसके बाद उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो एंटर करेगा, उसके बाद वो स्पीड उसकी कम होगी, फिर धीमी होने के बाद स्टारशिप मंगल पर लैंड कर जाएगा। अब यहाँ से जाना तो आसान है, अब वहाँ से लॉन्च कैसे होगा बताएं। तो देखिए मार्स की सरफेस के ऊपर पहले ही रिसर्च है कि मार्स के ऊपर जो वहाँ के नेचुरल वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि जो वहाँ के जो नेचुरल H2O+CO2 प्रेजेंट है, उन रिसोर्सेस जो वहाँ पे नेचुरली प्रेजेंट है उन्हीं से वह खुद को रिफ्यूल करेगा और वापस वह पृथ्वी की जर्नी शुरू करेगा। इसकी प्रोग्रामिंग पहले ही स्टारशिप ने इंश्योर की हुई है, तो आप ये क्लियर समझ रहे हैं पूरे सिस्टम को किस तरह से काम किया जा रहा है असल में स्टारशिप पे। और तो आखिर ये रॉकेट इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्या है ऐसा स्टारशिप में, स्पेस एक्स में इतना ऐसा क्या है जो इतना ज़्यादा से सेलिब्रेट किया जा रहा है, इतनी चर्चाएं की जा रही है। तो देखिए हमने आप इतनी डिटेल्स आपको इसलिए बताई क्योंकि आगे जाके दोबारा इसकी रीटेस्टिंग की जाएगी, और जब मार्स पे बसेरा होगा इंसानों का तब इस रॉकेट का बहुत ज़्यादा अहमियत की जाएगी, और हिस्ट्री तक इसमें नाम, अगर ये सफल होता है मिशन तो हिस्ट्री में इसका नाम आ जाएगा, और इसके लिए सफिशियंट जानकारी आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हमने कुछ मिस कर दिया इस वीडियो में तो फिर हम इसका पार्ट टू करके दोबारा बनाएंगे। देखिए मिस हमने वैसे तो कुछ किया नहीं है, लेकिन होता ऐसे है कि इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं ना तो अलग अलग तरह के अपडेट्स हर कुछ कुछ दिन में आते रहते हैं, तो जब एक अच्छा खासा बंडल हमारे पास तैयार हो जाएगा अपडेट्स का, जो हमें ऐसा लगेगा कि बताने जैसा है, वैसे तो हम डिस्क्रिप्शन में अपडेट करते रहेंगे जो जो नए टॉपिक्स आते हैं, और अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कड़क हो जाती है तो हम आपको अलग से पार्ट टू बना के वीडियो दे देंगे, क्योंकि अपडेट्स आने ही आएंगे ही इसके, जिस तरह से इसमें बदलाव किया जाएगा, जो कुछ भी एक्टिविटीज़ की जाएगी उन सब के अपडेट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे पार्ट टू में। और अगर कुछ ज़्यादा अपडेट्स नहीं भी आए तो डिस्क्रिप्शन में तो अपडेट हो ही जाएगा। बाकी इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हैं।
डिसलाइक अगर करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए, लेकिन अगर बताइए कि आखिर आप ऐसा क्यों आप डिसलाइक कर रहे हैं, आपको क्या कमी दिखी, तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए, तो हम उसका सुधार भी करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं, तो हम डिस्क्रिप्शन में अपडेट करें। बाकी अगर आप इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं इस अपने निजी संबंधों के साथ, निजी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अवेयर हो जाएं। जो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। वो इस वीडियो को तब तक देखें जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाते इन्फॉर्मेशन के साथ। इसके अलावा आपको जो फ़ोटोज़ हमने प्रोवाइड की वो फ़ोटोज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। दैनिक भास्कर जी की फ़ोटोज़ है ये न्यूज़पेपर की। बाकी ये फ़ोटोज़ आप क्रोम में जाके टाइप कीजिए, आपको बस इतना लिखना है स्टारशिप स्पेस एक्स, ये फ़ोटोज़ आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। Everything after clearing the tower was icing on the cake.